वुमेन्स आईपीएल सेकंड मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी के बीच आरसीबी बैटिंग करने के लिए स्मृति मंदाना बतौर ओपनर और बतौर कप्तान। स्मृति मंदाना बैटिंग करने के लिए स्मृति मंदाना ने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया। स्मृति मंदाना के कुछ अच्छे शॉट देखने को मिले और ये देखिए स्मृति मंदाना की बैटिंग। शुरुआत से आते ही उन्होंने बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया और बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रही थी स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना के बल्ले से कुछ निकले आक्रामक शॉट्स और कुछ लाजवाब हिट्स। स्मृति मंदाना बहुत ही बढ़िया खेल रही थी और काफ़ी अच्छे रंग में लग रही थी। एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए काफ़ी अच्छी शुरुआत की स्मृति मंदाना ने आज। ये देखिए स्मृति मंदाना की आज की पारी काफ़ी अच्छे रंग में लग रही थी स्मृति मंदाना और काफ़ी अच्छा खेल भी रही थी। बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट्स लिखा रहे थे और अपने ढंग में लग रही थी स्मृति मंदाना जैसे कि वो खेलते हैं। कुछ किस्मत का साथ भी मिला और कुछ बढ़िया बढ़िया शॉट्स भी देखने को मिले स्मृति मंदाना के बल्ले से। काफ़ी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे थे इसलिए आक्रामक रूप में ही दिखी स्मृति मंदाना और टीम की कप्तान होने के कारण काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी स्मृति मंदाना के कंधों पर दी और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट दिखाए और काफ़ी बढ़िया खेल रही थी स्मृति मंदाना। पर ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाई स्मृति मंदाना आज और एक छोटा सा कैमियो खेलकर आउट हो गई स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना अच्छा खेल रही थी पर इस बॉल पर आउट हो गई स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने 34 रन की पारी खेली। स्मृति मंदाना बनी एलिस कैप्सी का शिकार बनी स्मृति मंदाना 35 रन की पारी खेलने के बाद 35 रन बनाकर स्मृति मंदाना आउट हुई और आज की ये पारी उनकी 35 रन पर समाप्त हुई। 35 रन बनाकर स्मृति मंदाना 23 बॉल में।